नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। मुख्यमंत्री का ये बयान आपको याद होगा, बटेंगे तो कटेंगे। अब ऐसे में ये बयान जो है वो सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन अब सुर्खियों के साथ साथ चुनावी राज्यों में भी इसकी जो गूंज है वो दिखाई पड़ रही है। जैसे कि महाराष्ट्र में आपने देखा था कि बड़े बड़े कटआउट दिखाई देते, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और इस पर भी कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर परख होगी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि ये बयान सुर्खियों में क्यों है और किस तरह से ये जो बयान है उसकी उपचुनावों के दौरान परख देखने को मिलेगी। चर्चा में मेरे साथ सोनी शामिल होंगी। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुख्यमंत्री का ये जो बयान है आज हम इस पर इसलिए भी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से जाति गोलबंदी बिठाई है उस पर भी एक बड़ा घात के तौर पर, यानी उसके भी काट के तौर पर मुख्यमंत्री के इस बयान को देखा जा रहा है। तो सबसे पहले सोनी हमें बताएंगे, सोनी जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे ये बयान है, चाहे वो सत्ता पक्ष के नुमाइंदों की बात करें, आम जन की बात करें या विपक्षी दलों की बात करें, अब इसकी जो एक बार फिर से गूंज है वो चुनावी राज्यों में देखने को मिल रही है, क्योंकि हरियाणा में भी हमने देखा था कि किस तरह से इसका प्रभाव देखने को मिला था, लेकिन उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव पर भी इसकी एक बड़ी परख होगी। देखिए, ये जो बटेंगे कटेंगे ये अपने में ही बहुत बड़ा मैसेज आता है। कहीं ना कहीं इसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि हिंदू जो है पूरे एकजुटता के साथ है। वो कोशिश कर रहा है कि कहीं पे भी जैसे कि आपने देखा कि जो विपक्ष पार्टी है वो हमेशा जाति और एनकाउंटर के नाम पर हमेशा ही साधने की कोशिश करती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी तरफ भी ये इशारा है कि सबको एक साथ लेकर चलना, सबको एक साथ लेकर चलना, एकजुटता के साथ रहना, तो ये एक मैसेज देता कहीं ना कहीं। शायद यही फॉर्मूला जो है वो जो अभी हरियाणा में चुनाव हुआ था उससे भी कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा साबित हुआ था, जहाँ पे हमने देखा कि जहाँ कांग्रेस का था कि हाँ कांग्रेस जीते, बट एट द टाइम क्या हुआ कि जस्ट पासा पलट गया, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज देता है। और इसके जरिए 2027 में जब ये होगा तो उसके इर्द गिर्द भी ये जो मैसेज है ये घूमता हुआ नजर आएगा। देखिए, जाहिर तौर पर ये जो बयान है और ये सुर्खियों में भी है, और ये देखिए सुर्खियों में और तब देखा गया जब संघ की तरफ से यानी आरएसएस की तरफ से भी इसका समर्थन यहाँ पर किया गया था, और उसके बाद से ही लगातार ये कयास और ये इस तरह की चीजें जो है वो यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति के तहत जो है वो यहाँ पर इस बयान को दिया गया है। लेकिन अगर हम थोड़ी यहाँ पर बात करें, क्योंकि उपचुनाव है और उपचुनाव की लगातार जो सरगर्मियां हैं वो और तेज होती जा रही है, चाहे बयानबाजियों के बीच हो या अपने अपने दावे जो जीत के यहाँ पर की जा रहे हों, तो समाजवादी पार्टी के जिस तरह से हम जाते हैं कुलबंदी और जो लक्ष्य यहाँ पर रहा है, जिस तरह से स्ट्रैटेजी रही है, तो क्या उस पर भी एक बड़ा घात माना जाए इस बयान को? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि जो विपक्ष है वो हमेशा से शुरू से ही कहीं ना कहीं वो जाति और ये क्या बोलते हैं सब चीज़ों के आधार पर ही, और जो यूपी में जो एनकाउंटर होता है कहीं ना कहीं वो साधने की कोशिश करता है। बट अब ये जो है इसमें ये दिखाया गया है कि इसमें कोई भी जाति नहीं है, कोई भी मतभेद नहीं है, सभी जाति उनके लिए एक समान है, तो कहीं ना कहीं इससे जो है जैसे मैंने कहा कि अभी जो इलेक्शन हुए तो उसमें भी देखने का प्रभाव अच्छा प्रभाव मिला, तो ऐसे में जो अब ये जो एक बटेंगे कटेंगे का जो नारा है ये बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, खासकर विपक्ष के लिए थोड़ा भारी जरूर पड़ने वाला है। तो देखिए, 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव है वो ये तमाम सीटें जो हैं बीजेपी के लिए काफी अहम है, और यही वजह है कि हर एक समीकरण को साधने की भी कोशिश हो रही है और साथ ही साथ हर एक तरीके से जनता को ये भी समझाने की कोशिश है कि आपको बटना नहीं है। और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, सौरभ मेरे साथ जुड़ेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो बयान है वो तो सुर्खियां अपने आप में बटोर ही रहा है सौरभ, लेकिन इस बयान को समाजवादी पार्टी की जो जाति गोलबंदी है उसके काट के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, ये जो बयान है बटेंगे तो कटेंगे, सीएम योगी ने हरियाणा चुनाव में ये बयान दिया था और उसके बाद हरियाणा चुनाव में इसका नतीजा देखने को मिला, और इस बयान को इस लिहाज से देखा जा रहा है क्योंकि विपक्षी पार्टियां जो है वो कास्ट सेंसस को लेकर लगातार डिमांड कर रही हैं, जिसमें जातियों को बांटने का काम हो सकता है जो ये दावा किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बयान बीजेपी तरफ से इसलिए ज्यादा इसको प्रमोट किया जा रहा है और आरएसएस की तरफ से भी कि ये उनके अपोजिट कि हम लोगों को एक करना चाहते हैं कि सभी लोग कम्युनिटी में अगर बट जाएंगे तो कटेंगे। हालांकि आप देखिए हरियाणा में उसके बाद में जो SC ST में जो इनसाइड में जो रिजर्वेशन दे रहे हैं वो भी लोग अप्लाई कर चुके हैं, मतलब उनके अंदर रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन जो दे रहे हैं, तो सारी बातें ये है। और हरियाणा चुनाव में जब इसका फायदा मिला है तो उत्तर यूपी उपचुनाव में और कहीं ना कहीं आप देखिए महाराष्ट्र चुनाव में जगह जगह ये पोस्टर भी दिखे गए हैं सीएम योगी के पोस्टर के साथ में, बटेंगे तो कटेंगे, तो कुल मिलाकर के इसका फायदा हरियाणा चुनाव में मिला है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि
यूपी उपचुनाव में भी ये बहुत जोर शोर से, क्योंकि आरएसएस ने इसको पूरी तरह से भुनाने की कोशिश की है और लगातार मथुरा में जो 10 दिवसीय अभी ये आरएसएस की बैठक चल रही है और उसमें भी ये बातें लगातार हो रही हैं और वो सीएम योगी के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं इसका फायदा आपको हरियाणा चुनाव में तो क्या लगता है कि क्योंकि देखिए हरियाणा चुनाव में हमने जब देखा था तो जो तस्वीर थी वो बेहद उलट थी और जैसे ही नतीजे सामने आए तो हमने देखा कि क्या स्थिति है, जैसे आप भी वाकिफ हैं। तो ऐसे में अब हम महाराष्ट्र में भी जैसे आपने बड़े बड़े कटआउट्स की बात की है कि वहां पर बड़े बड़े कटआउट्स लगे हैं और ये जो नारे की गूंज है वहां तक दिखाई पड़ रही है, तो क्या आपको लगता है कि ये प्रभाव डाल पाएगा उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल ये प्रभाव डाल पाएगा और ये 2027 ये जो उपचुनाव है एक तरह से 2027 का लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की परफॉर्मेंस उतनी बेहतर नहीं थी जो जैसा उम्मीद था और उसके बाद में जब हरियाणा का चुनाव होता है और उसमें सीएम योगी फिर से एक्टिव होते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सीएम योगी की तरफ से कहा गया था जब उम्मीदवारों का जो चयन था उसमें सीएम योगी पूरी तरह से कमांड नहीं मिला था, सीएम योगी को उस तरीके से तवज्जो नहीं दी गई थी जैसा खामियाजा उनको देखने मिला। हरियाणा चुनाव में जब सीएम योगी एक्टिव होते हैं उनकी लगातार रैलियां होती हैं और इस तरीके का वो बयान देते हैं बटेंगे तो कटेंगे और उसका नतीजा आपको देखने को मिलता है कि हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बाद से फिर से बीजेपी में और कहीं ना कहीं आरएसएस भी अब सीएम योगी के बातों को सीरियस लेने लगा है और उनके बयानों को लेकर यही वजह है कि समर्थन किया गया है, समर्थन किया गया है कि वटेंगे तो कटेंगे इसको समर्थन कर रहे हैं और ये डिमांड की गई है कि सभी लोग एक हो जाएं। ये कहीं ना कहीं संदेश दिया जाए जो एनकाउंटर पर सवाल उठाए गए थे अखिलेश यादव की तरफ से समाजवादी पार्टी की तरफ से कि जाति देख करके एनकाउंटर किया जा रहा है, तो इन सबका एक ही जवाब वो लोग दे रहे हैं कि ये बटेंगे तो कटेंगे, इसका मतलब है कि आप लोग ये जो आपको विपक्षी पार्टियां हैं ये आपको जात के नाम बांटना चाहते हैं। ठीक है, ये तो हमने राजनीतिक तौर पर और जो राजनीतिक दल है उनकी जो स्ट्रेटजी उसकी बात की, लेकिन अगर हम आम जन की बात करें तो ये जो बयान है उन पर किस तरह से इम्पैक्ट डाल पाएगा, साथ ही साथ विपक्ष की भूमिका को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये बिल्कुल आम लोगों पर इसका असर इसलिए होगा क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक मोटिव पहले भी रहा है कि एक हिंदू राष्ट्र को सोच करके, तो कहीं ना कहीं जैसे हिंदू और मुसलमान इस तरीके से जब बात होती है तो कहीं ना कहीं इस बयान का उद्देश्य सीधा सीधा यही है, जैसा पहले आप योगी जी को अगर आप देखिए मुख्यमंत्री बनने से पहले उनके बयान बड़े साफ होते थे, होते थे। लेकिन अब उन्हीं को थोड़ा सा राउंड अप कर दिया जाता है कि बटेंगे तो कटेंगे, कहीं ना कहीं ये हिंदुओं को लेकर के कहा जा रहा है कि आप एक हो जाइए, कहीं ना कहीं अगर आप अलग होंगे तो कहीं ना कहीं आपके बीच फूट डलेगी और इसका फायदा विपक्ष को होगा और जहाँ पे जो ये विपक्ष का भी होगा शायद खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए अभी आप कई खबरें ऐसी आई कि मंदिरों को बनाने नहीं दिया जा रहा है, कई ऐसी खबरें आ रही है मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, तो इन सबको देखते हुए ये कहीं ना कहीं बयान दिया गया। अभी बहराइच हिंसा जब हुआ इसमें भी यही चीज बात आई, तो ये सीधा सीधा संदेश और सीधे तौर पर हम अगर देखें तो जब जब हिंदू मुस्लिम ये बात सामने आई है या इस तरह की चीजें आई हैं तो बीजेपी को ही उसका सीधा फायदा मिला और बीजेपी ये चाहती है कि उसके लिए पूरे के पूरे जो हिंदू वोटर्स हैं वो उसको ही वोट करें इस तरीके से पोलराइजेशन करने का। अब वही चीज डायरेक्ट जैसे आप देखिए 7-8 साल पहले जब सीएम योगी का बयान होता था उसमें साफ साफ हिंदू शब्दों का इस्तेमाल होता था। लेकिन जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से उनके बयान में इस तरीके से बयान नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक लक्ष्य है वो साफ साफ इस बयान से साफ है कि कहीं ना कहीं हिंदुओं को कहते हैं कि एकजुट हो जाइए, क्योंकि जिस तरीके से हिंसा हो रही हिंदुओं पर लगातार हो रही, चाहे आप हैदराबाद देखिए चाहे बहराइच में देखिए लगातार ये चीज मामले हुए हैं, तो ये संदेश देने को आम जन के पास भी ये मैसेज साफ पहुंच रहा है, इसका नतीजा भी आपने देखा हालांकि चुनाव में मिला है। बिल्कुल, लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं ये कहा उन्होंने कि एक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है इस बयान को लेकर, वो सत्ता पक्ष पर हमलावर भी रहा है, मुख्यमंत्री को भी लेकर सवाल खड़े किए गए हैं, लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष को कितना बड़ी चुनौती देती है, क्या घबरा रहा है? बिल्कुल बड़ी चुनौती, क्योंकि इस बयान में बटेंगे तो कटेंगे ये कहीं नहीं कहा गया कि आप हिंदू हैं ना बटिए, या ये नहीं कहा मुसलमान ना बटिए, किसी को टारगेट कहा है कि आप जहां भी हैं मतलब आप में अगर एक है तो एक रही है, ये कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि विपक्ष इस पे फंस गया है, जो कास्ट सेंसस की डिमांड कर रहा था लगातार कि हमें जातिगत जनगणना हो चाहिए और इसमें जितनी लोगों की भागीदारी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी हो, इस तरीके बयान दिए गए थे और ये दोनों अमल देखा जाए तो अगर आप हरियाणा इलेक्शन में एक चीज पैटर्न देखें बीजेपी ने दोनों बातों ध्यान रखा, उसने वैसे ही टिकट बांटे थे जैसे लोगों की पॉपुलेशन है उस हिसाब से उसने बांटा भी था टिकट, उसके बाद में बटेंगे तो कटेंगे बयान पे कि हम हिंदुओं को एक साथ लेके चलेंगे, मतलब जो भी कम्युनिटी है वो एक साथ रहे, और यानी कि हम देखें तो जिस तरह से घेराव हमने विपक्ष का भी देखा गया तो कहीं ना कहीं अपने बयान पर कायम रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उन्होंने बार बार हर मंच से इस बयान को दोहराया भी है, तो देखिए कहीं ना कहीं बटेंगे कटेंगे ये बयान जो है वो सुर्खियों में है और सुर्खियों में क्यों है ये भी हमने आपको बताया है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आने वाले चुनावी नतीजों पर किस तरह से पड़ता हुआ नजर आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। इसी के साथ इस चर्चा पर यहीं विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर।
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।